देश भर में शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में होली का पर्व धूमधाम से मनाया गया है। होली पूजन के पश्चात होलिका दहन हुआ, श्रद्धालुओं ने भंडारे लगाए, कहीं पर मेले लगे, श्रद्धा भक्ति समर्पण का सुंदर सा स्वरूप जागृत हुआ। भारतीय संस्कृति की यही खूबसूरती है कि यहाँ तीज त्योहार लोगों को आपसी भाईचारे का संदेश देते हैं। रंगों का त्योहार होली जीवन में खुशियों के रंग भरता है। सोनीपत के गांव पुखथला के श्रद्धालुओं ने अपने कुलदेवता पितृदेवता दादा खेड़ा को नमन किया। यहां अनंत भंडारा चलाया गया, समर्पित स्वयंसेवकों ने सेवा दी, अपने इष्ट को नमन किया। दादा अभय सिंह देवता का मंदिर पुखथला के प्रधान मंजीत ने कहा कि सभी देशवासियों को सबसे पहले होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, सभी ग्रामवासियों का धन्यवाद जो प्रसाद को वितरित करने में सहयोग किया। हम सब मिलकर आगे इस मुहिम को बढ़ाते रहें और अपने देवों का आशीर्वाद प्राप्त करते रहें। प्रधान मंजीत ने कहा कि हर व्यक्ति सहयोग करे, बचे प्रसाद को खराब होने से बचाए और जरूरतमंद तक पहुँचाए। वास्तविक सेवा यही है कि हम जरूरत की सेवा कर पाए। आपका थोड़ा सा प्रयास बहुत से इंसानों को खुशी प्रदान करता है। पूरी समिति के सदस्य बधाई के पात्र हैं। सेवा समर्पण के साथ की जाए तो जीवन खुशहाल हो जाता है। दादा अभय सिंह देवता मंदिर पुखथला के प्रधान मंजीत, कोषाध्यक्ष अंकित, सहायक सचिव नवीन मलिक, सचिव सुरजीत, जगदीप, देवेंद्र, दिलबाग, प्रदीप, अंकित उर्फ कालू, सत्यवान, अंकुश, रिंकू, नितेश, संजीत आदि सेवा कार्य में शामिल रहे।